हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द सीवीएम, जिस पर आज हम रिव्यू करेंगे प्रे मूवी का, जो रिलीज हुई थी हुलू पर 5 अगस्त को, मगर इंडिया में रिलीज हुई थी ये 7 अक्टूबर को हिंदी में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जिसको डायरेक्ट किया है डैन ट्रेचनबर्ग ने, जिन्होंने इससे पहले 10 क्लोवरफील्ड लेन को भी डायरेक्ट किया था। तो चलिए बात करते हैं प्रे मूवी की, जिसका रन टाइम है 1 घंटा 40 मिनट, और ये मूवी प्रेडेटर मूवी फ्रेंचाइजी का प्रीक्वल है। और बात करें इस मूवी के स्टोरी की, तो ये मूवी की स्टोरी सेट है अर्ली 18th century में, जब नेटिव अमेरिकन ट्राइबल्स हुआ करते थे। वो जीने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए शिकार करते थे। उसी ट्राइबल में रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम नारू है, जो खुद भी शिकारी बनना चाहती है और अपने कबीले वालों को साबित करना चाहती है कि वो भी एक अच्छी शिकारी है और अपने कबीले की रक्षा कर सकती है, जिसके लिए उसे शिकार करना होगा और अपने शिकार का सर ला करके अपने कबीले में दिखाना होगा। इसकी कहानी को सिंपल ही रखा गया है, मगर आपको क्यूरियोसिटी होती रहेगी कि किस तरीके से एक आदिवासी लड़की उस प्रेडेटर का सामना करती है, जो कि एडवांस वेपन और एडवांस टेक्नोलॉजी में सुपीरियर है, और जो खुद शिकारियों का शिकार करता है, वो किस तरीके से, कैसे वो आदिवासी लड़की उसका सामना कर सकेगी, ये सब देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इसको IMDb में 7.2 की रेटिंग मिली है और ये R रेटेड है। और आप अगर बात करें मूवी का एग्जीक्यूशन और स्क्रीन प्ले, वो इतना कसा हुआ है कि वो आपको मौका नहीं देगा बिल्कुल भी कि आप बीच में भी जरा सा भी पलक झपका सकें। और अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि क्या आपको अपने 1 घंटा 40 मिनट इसको देना चाहिए, तो आपको जरूर इस शिकारी और शिकार के खेल को देखना चाहिए। इसमें काफ़ी ब्लड और वायलेंस दिखाया गया है, और ये प्रेडेटर फ्रेंचाइजी में जैसी मूवी आप एक्सपेक्ट करते हो, ये उसी तरीके की है। हाँ, इसकी स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा गया है, बहुत सिंपल सी सीधी सी स्टोरी लाइन है, जिसको समझने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और मूवी और सीरीज के रिव्यू में। सी यू।